News 18, India. बुधवार को शंभू बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद आज सुबह यहां पर माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन जो तैयारी हरियाणा पुलिस ने की थी, अब वो तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि बुधवार के लिए क्या तैयारी हरियाणा पुलिस ने की थी। आप देखिए, ये वो पुल है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं और इसी पुल के ऊपर हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से खोदे गए कि जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। और नदी के सहारे आप देखेंगे कि लंबा एक नाला नुमा गड्ढा यहां पर खोदा गया है जिससे कि किसान ट्रैक्टर लेके आगे ना बढ़ पाए। तो दूसरी तरफ आप देखिए, जब किसानों की तरफ से पोकलेन या जेसीबी मशीनें लाई गई थी, उसके बाद पुलिस ने भी पुल के ऊपर जेसीबी और पोकलेन मशीनें यहां पर खड़ी की थी और उसके बाद वहां पर बड़े बड़े कंक्रीट के हैवी ब्लॉक्स वहां पर रख दिए थे रास्ते को जाम करने के लिए। अब उन ब्लॉक्स को यहां पर हटाने का काम किया जा रहा है पोकलेन मशीन के जरिए, जेसीबी मशीन के जरिए अब उन ब्लॉक्स को यहां पर हटाने का काम किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किसानों का दिल्ली कूच कितना मुश्किल था, क्योंकि इस पूरे ही पुल को एक छावनी, एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया, रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया था कि बिल्कुल भी किसान आगे ना बढ़ पाए। और अब यहाँ से वो कॉन्क्रीट के हैवी ब्लॉक्स यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। दोनों ओर हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन युगल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दो पुल हैं दिल्ली आने जाने के, इस हाईवे पर दो पुल हैं घग्गर नदी के ऊपर, और दोनों ही पुल पर इस समय काम चल रहा है, उन कंक्रीट के हैवी ब्लॉक्स को यहाँ पर हटाने का काम चल रहा है सुबह से ही। और करीब मैं 15 मिनट से यहाँ पर देख रहा हूँ कि लगातार इन ब्लॉक्स को हटाया जा रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा हैवी मात्रा में कंक्रीट के हैवी ब्लॉक्स यहाँ पर रखे गए थे कि जिससे किसान आगे ही ना बढ़ पाए। और उसके बाद अगर आप देखें तो पहले मशीनें किसानों की तरफ से लाई गई थी, उसके बाद बाकायदा पुलिस ने भी पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन यहां पर शंभू बॉर्डर पर तैनात कर दी थी। ये ग्राउंड जीरो का हाल है फिलहाल। आप सुबह की तस्वीरें देखेंगे तो किसानों की जो संख्या है वो कल की तुलना में आज कम है, क्योंकि कल काफ़ी हिंसा यहाँ पर हुई, पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर दागे गए हैं। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस जगह से जहाँ पर कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर आप देखिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात हैं। कितनी भारी, कितनी हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पर है, पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और अब हमारी दूरी और पुलिस की दूरी कुछ ही मीटर की यहाँ पर पीछे है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली कूच रोकने के लिए पुलिस ने कितने तगड़े इंतजाम शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के ऊपर पुल के ऊपर किए हुए हैं।